मेरा संबंध बजाज परिवार से है। हमारे घर में माहौल में तकरीबन हर रोज एक नाम गूंजता रहता है। ये नाम है मेरे पूज्य परदादा जमनालाल बजाज का। हम बच्चों से लगातार ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें। जो आदर्श और जीवन मूल्य उन्होंने स्थापित किए, हम भी उन्हें अपनाएं। मेरे पूज्य परदादा जी को सब लोग काका जी कहा करते थे। मैं भी सुविधा के लिए इसी नाम का प्रयोग करूंगा। काका जी के बारे में कई बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि उनके तीन पिता थे। एक तो जन्मपिता, दूसरे वो जिन्होंने उन्हें गोद लिया लेकिन जिनका देहांत उनके गोद लिए जाने से पहले ही हो चुका था, और तीसरे वो जिन्हें काका जी ने खुद तलाश किया, या यूं कह लें कि गोद लिया। सन 1920 का जमाना था वो। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। काका जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान एक दिन वो गांधी जी के सामने जा खड़े हुए। बापू, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बदले में क्या दोगे? बापू, मैं देने ही आया हूँ। अरे वाह भाई, मांगने आए हो, देने आए हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। बापू, मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना पुत्र माने। अरे, इसमें मांगने जैसा क्या हुआ? मेरे लिए सारे देश की जनता मेरी संतान है। नहीं, वैसा नहीं बापू, मैं चाहता हूँ आप मुझे देवदास का भाई माने, मुझे अपना बेटा माने, अपना पांचवा पुत्र माने। देखो भाई, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना और जाना है उससे तो मैं महसूस करता हूँ कि तुम उस रास्ते पर पहले से ही चल रहे हो जिस पर बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे तो एक हम सफर या दोस्त का नाता ज्यादा बनता है। यह आपका बड़प्पन है बापू। तुम मुझ में जो ढूंढ रहे हो मैं नहीं जानता मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तो खुद अपना रास्ता तलाश कर रहा हूँ बापू। मैं खुद को ऐसे योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ जो जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर सके, और वो व्यक्ति बस आप ही हैं बापू। ठीक है, बस इतना जान लो जमनालाल कि इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। जो दे रहे हो तुम ही दे रहे हो। और उस दिन से काका जी मन वचन और कर्म से जमनालाल गांधी हो गए। दो बनियों के बीच ये एक अजीब सौदा था जिसमें एक दूसरे के हाथों में एक दूसरे को सौंपकर दोनों ही खुश थे। गांधी जी को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता मिल गया, और काका जी को उनके मोक्ष की तलाश का सबसे बड़ा सहारा। ये रिश्ता ऐसा अटूट साबित हुआ कि पिता पुत्र दोनों ने इसे जिंदगी भर निभाया। इस मुलाकात के बाद काका जी के सामने जब भी कोई उलझन आई, उन्होंने अपने आप से यही सवाल किया, इन हालात में बापू ने मुझसे क्या करने को कहा होता। जवाब के लिए उन्हें हमेशा बापू के पास नहीं जाना पड़ा, जवाब अक्सर उन्हें उनकी अंतरात्मा से ही मिल जाता था।
100 साल पहले देश की कई दूसरी रियासतों की तरह जयपुर में भी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट अपने पांव जमा चुका था। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के मुताबिक जयपुर को भी उसके ठिकानों से लड़वाता रहता था। सीकर ठिकाना इनमें से एक था। फिर भी सीकर के एक गांव काशिकावास में सुख चैन था। शायद पुरखों ने इस गांव को नाम ही ये सोचकर दिया था कि यहां खुद काशी का निवास है। इसी गांव के एक निवासी कनीराम जी के घर 4 नवंबर 1889 को काका जी का जन्म हुआ था। कनीराम जी जात के बनिए थे और साहूकारी के साथ साथ किसानी भी करते थे। मेरे काका जी अपने घर में मंझले थे। उनके बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का बद्री। इनके अलावा उनकी 3 बहनें भी थीं। जून का महीना था, साल था 1894। वर्धा के एक धनी व्यापारी बच्छराज बजाज अपनी पत्नी सद्दीबाई और बहू बासंती देवी के साथ काशी का वास आए हुए थे, जो उनका पुश्तैनी गांव था। पूरा परिवार बड़ा दुखी था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सीकर में बच्छराज जी के दत्तक पुत्र रामधन दास की मृत्यु हो गई थी। हाल चल के बतावा, भारत तो भाग ही फूट गया। रामधन ने गोद लियो, ब्याह भी करियो, पोतरी मनोती ने वास्ते सीकर आया, उठे आर रामधन दास ही गुजर गया। मारा तो बंसी डूब गो जी। आदमी के हाथ में के है जी, सब ऊपर वाले की माया है। या भी कोई माया है के मारा तीना भाई आ रहे आगे पीछे कोई को नहीं। धीरज अया जी छोटो मत ना करो भाई, भाग को लिखो कौन मेट सके है। जी ने संभालो भी तो कहीं, एक तो कुख फली को नहीं, बेटो गोद लियो तो वो भी सिधार गो। आड़ो चाड़ो तो लागो ही रहे है। 2 महीना हुआ जमन की दादी भी गुजर गई। दादी 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 तू कट गई थी, इतना दिन बाद आई। तीर्थ गई थी बेटा, अब तो नहीं जासो? नहीं गिगला, अब को नहीं जाऊं, अब तो न लेकर जाऊंगी, तू चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। दुखे गुलाब सो छोरो है की को है? थारो ही है, थाने अपनी दादी समझ रही है। अच्छा। बिरधी बाई ने तो ये बात सद्दी बाई का मन रखने के लिए कही थी, लेकिन सद्दी बाई ने इसे सच मान लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे जमुना लाल को अपने साथ लेकर ही जाएंगी। ताबरा या थोड़े ही दिया जावे है। क्यों, बे दिन तो थे बोल रहे थो कि टावर थारो ही। देखो तो अब तो जमन मारो ही हो गयो। हाँ, तो कहने से थारो हो गयो। हाँ, मारो हो गयो। जमन की माँ, बात चाहे उना का मन रखने के लिए ही बोल लिया हो, अब तो जमन पर आपनों कोई हक को नहीं, अब तो जमन उन्हीं की होगो। या रख लो। इके है? छोटी सी भेंट। देखो सेठ जी, जमन की माँ के मुंह से निकल गए हो तो जमन को आप ले जाओ, पर मेरे से अधर्म मत करवाओ। मैं बालक को बेच को नहीं रहा हूँ। मैं कीमत को नहीं दे रही हूँ, ईमा अधर्म के है, ये तो रीत की बात है। मैं रीत वीत को नहीं मानू, मैं इस पैसे को छूंगा भी नहीं। भाई लोगा थे इन्होंने समझाओ। सेठ जी पीछा मत दो, जमीन ले दो। मेरो मन को नहीं माने, मन न पाप के कुआं में मत ढकेलो। तो मैं भी को नहीं ले जाऊं छोरा ने, हो जान दो हमारा वंश खत्म। चालूठ आपा ने ही गांव से कुछ को नहीं लेनो, आपा ही समझ ले सा कि ही गांव से आपनो कोई लेने दोनों कौन थो। देखो सेठ जी, इत तो गुमान भी ठीक कोनी, थारे पास पीसा ज्यादा हो तो कुआं खुदवा दो गांव के वास्ते, सबको भली हो जाती। थारे इस धर्म के काम से मैं भी अधर्म से बच जासूं। बड़ों के इस लेन देन में उस नन्हे से बालक ने क्या खोया वो नहीं जानता था। उस पिता के प्यार और माँ की ममता की तलाश वो जीवन भर करता रहा। वर्धा का माहौल काशी का वास से एकदम अलग था। महल जैसी हवेली, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी यहाँ। बच्छराज जी का रूई का व्यापार था और घर में पैसा बरसता था। बच्छराज जी वैसे तो बड़े दयालु थे, मगर गुस्सैल भी बहुत थे। गालियां तो उनकी जीभ की नोक पर धरी रहती थी।
रुक बे हराम खोर। इतनी काटियो माने को नहीं, बार देखो इन्हें चोरा हराम खोर। कत्ते से ले रहा है या गाट तू अंदर से शेख? अरे सो तो मैं भी देख रही हूँ, तने के लागे के मने आखा तू दिखे को नहीं के। कौन हुआ का मालिक? अरे सुअर ऊपर से पूछे हुई के या ये गाट को नहीं दिख रही के? देख रही कहीं लटक रही। प्रेसिंग ढीला रह गया होगा मालिक। तो प्रेसिंग ढीला रह के आ गयो, मशीन काम को नहीं कर रही तो मैं ठीक करूंगो, या अभी के लिए भी तने एक और नौकर दूं? नहीं मालिक करता हूँ, अभी करता हूँ। नहीं छुना नहीं उसे, छुना नहीं, और निकल जा, निकल जा। मने को नहीं चाहिए तेरे जाकर हराम खोर नौकर, साला के बैठा बैठा के चर्बी चढ़ गई, निकल जा। जमन, जमन बेटे, ओ जमन, माँ जी, माँ जी, के जमन रोवे है, कठे हो, के हो बेटा? तू मेरे कने सो जा, आज आज तू इनो को तो माथो खराब है, जबान पर लगाम तो है कोनी, मुंह में आवे सो बोल देवे। ये भी ने सोचे बालक ही है, दूसरे के घर से आयो है, मन में कोई बात लाग जाती तो मैं कहीं के कर सू। वर्धा आने के एक साल बाद ही काका जी को एक मराठी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। ये पढ़ाई 4 साल ही चल पाई, उस जमाने में इतनी पढ़ाई भी बहुत थी, आखिर तो काका जी को अपने बाप दादा का व्यापार ही संभालना था। बचराज परिवार का अंग्रेजों के साथ काफी उठना बैठना था, इसलिए काका जी को 3 महीनों के लिए अंग्रेजी की कोचिंग भी दिलवाई गई। ट्रांसलेट करो, मैं खेलता हूँ। आई एम प्ले नहीं, आई प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले, लड़के खेलते हैं, द बॉयज प्ले। फिर से बोलो, मैं खेलता हूँ। आई प्ले। हाँ, मोहन खेलता है। मोहन प्ले। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मोहन प्लेज। अब मेरे साथ बोलो, आई प्ले। काका जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गए तो उन्हें दुकान पर बिठा दिया गया। मुनीम जी टपाल। बाबा जी चलो। व्यापार में काका जी का मन नहीं लगता था, उनका मन लगा रहे ये सोचकर बचराज जी उन्हें हर रोज 1 रुपया देने लगे और वे रुपए जोड़कर रखने लगे। लेकिन पढ़ाई में काका जी की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई, अब उनका संबंध अखबार से जुड़ गया था। आह के रिश्तो लाए हूँ, बस उन्होंने जावरा के राजा ही समझो, अफीम को व्यापार है, घर में नौकर चाकर मुनीम गुमाश्ता सबको आराम है, कट्टर वैष्णव है, घर में पूजा पाठ व्रत उपास बहुत है, आचार विचार छुआछूत की बहुत शोध है। वाणी राम लड़की कैसी है? जब गिरधारी लाल जी की सवारी निकले तो सारो गांव उन्होंने झुकझुक के सलाम करे। अरे देखने में कैसी है? अच्छी साक्षात लक्ष्मी का अवतार। मने तो सोनी बहू को नहीं चाहिए, मने तो वंश बढ़ाने वाली बहू चाहिए। माँ के कमती सोनी थी देखने में, बसंती कमती सोनी है, लेकिन कुल तो कोनो बढ़े हो, मन तो वंश बढ़ाने वाली बहू चाहिए। सभी बाई को ये रिश्ता पसंद आया, उन्होंने बचराज जी को भी राजी कर लिया। सद्दी बाई अपने लाडले पोते का ब्याह नहीं देख पाई, पोते की सगाई के कुछ ही दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। चमन ये ले, ये बीनी ना दे दियो, मुंह दिखाई माँ। के है माँ? रुपया। कितना है? 500। 500 पगलो ही है। इतनी छोटी उम्र में ये कहां पता होता है कि शादी क्या चीज है। सुना है
काका जी और माता जी के लिए तो शादी भी एक तरह का खेल ही था। बसंती देवी को बेटे और बहू से बड़ा स्नेह था। उनके मन में नेक दस्तूर वगैरह का बड़ा चाव रहता था और वो इसके लिए मौके भी ढूंढती रहती थी। तू तो मन ने सदा हरा देवे। थे ध्यान से खेलो ही कोनी तो मैं के करूं। थे चलो संभल के। क्यों रे हरामखोर, सारे और कोई काम कोनी जो सवेरे सवेरे जुओ खेलन बैठ गो। जाने है जो जना चौपट खेली बीको बंस डूब गो, अरे पांडव खेली बीको राजपाट चौपट हो गो। खबरदार जो हरकत फेर करी तो हटाओ इन्हें। मतलब जी दुखी करो हो, दादाजी बड़ा है, बिना ने नाराज होने को हक है, इमा बुरो के मानो। मैं तो अपने भाग में रहूं, सारो दोष तो मेरे माँ बाप को ही है जो मन ने गोद दे दियो। और पीछे दादाजी ने अय्या को व्यवहार रखो थो तो मैंने गोद क्यों लियो। ऐसे मौकों पर उनकी माँ उन्हें संभाल लेती, लेकिन इस माँ का प्यार भी काका जी के भाग्य में नहीं था। कुछ दिन बाद ही वर्धा ने प्लेग फैली। बचराज जी ने बगीचे में झोपड़ियां बनवाई और परिवार के साथ वहां रहने चले गए, लेकिन माँ को प्लेग ने जकड़ ही लिया। शादी से पहले दादी चल बसी थी, शादी के बाद उनके छोटे भाई नहीं रहे और अब माँ जैसा लाड़ प्यार देने वाली बसंती देवी भी चल बसी। ऐसी हालत में उनके बाल सखा और ममेरे भाई बिरधी चंद पोद्दार ने उन्हें संभाला, वरना काका जी तो शायद सन्यासी ही हो गए होते। जीवन में दुख इसलिए है, हम हमेशा तृष्णा और वासना में लीन रहते हैं। जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो वह अपने सारे सुख दुख के अनुभवों से दूर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होना क्या है महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं उसी समय हमारे सारे दुखों का अंत भी हो जाता है। काका जी को धार्मिक प्रेरणा पोद्दार जी से मिली, लेकिन उनके वकील मित्र श्री कृष्णदास जाजू ने उनके विचारों को देश और समाज सेवा की तरफ मोड़ा। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ संसार से पलायन नहीं। एक और कठिन योग है कर्म योग, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहना, जैसे कीचड़ में कमल। पर मैं दुख को भुला नहीं पाता। दुख को भुलाने के लिए कर्मरत हो जाओ, इस देश को कर्म भूमि बना लो। कितना कुछ है करने को यहाँ पर, गुलामी है, गरीबी है, दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। मैं परसों कलकत्ता जा रहा हूँ, कांग्रेस का अधिवेशन है वहाँ पर, तुम भी मेरे साथ चलो। बचराज जी को काका जी पर पड़ता जाजू जी का प्रभाव अखरता था। वे डरने लगे कि उनका लाडला जमन कहीं बिगड़ ही ना जाए। सन 1906 में माधवराव सप्रे ने नागपुर से हिंदी केसरी निकालने की तैयारी की और देशवासियों से मदद की अपील की। काका जी ने 100 रुपया भेज दिया। ये रुपया उनकी अपनी बचत का था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की उनकी ये शुरुआत थी। बाद में उन्होंने लाखों रुपया दान दिया, लेकिन इस चंदे के बारे में उनका कहना था, उस समय ये 100 रुपया देकर मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो अब लाखों देकर भी नहीं होता।
कत गयो थो? मंदिर में थो। काम कही चल रहा है? ठीक है। कब तक पूरा हो जासी? अभी देर लाग सी। भैया मोतिया तो जयपुर में तैयार ही पड़ी है। आप जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो बारात में देर हो जासी। चलो मैं तो तैयार हूँ। क्यों आया चल सी गे? क्यों ठीक ही तो हूँ। नहीं ले एक कंठी पहन ले। नहीं दादाजी मैं कोनी पहनू। क्यों कोनी पहन? मेरे मन में धार ली कि मैं गहना कोनी पहनू। या भी तने गांधी से कावे के तेरे पे तो भी को भूत सवार है। ले पहन ले अब। अरे बिरादरी में अपनी कोई इज्जत है? बाहर तो सब यही कैसी कि ये ससुर बच्चराज पोते ने कोई ध्यान ही नहीं है। अय्या की बिरादरी से मेरो के लेन देन? हाँ हाँ तने के मतलब पैसा बिठाए सब कुछ मिल गो ना, खुद कमाया हो तो मेरो पड़े। मैं सालो गदो थो कि तने गोद ले आयो, सोचो थो कूड़ बंस चलाने वाला मिल गो जो बाप दादो को नाम उजागर कर सी। पर तेरा तो लखन ही दूसरा है, न काम न धंधो न व्यापार। अरे मन में सोचता होसी के बुड्ढो मरसी तो छोड़ के तो मारे नाम ही जासी। ये थे के कह रहे हो दादाजी? मैं अरे तो रहन दे, ये मत सोचिए कि सारो माल मतो मैं तेरे नाम छोड़ जासू। अरे तेरे नाम एक छदाम को नहीं छोड़ू, सारो को सारो दाम कर देसू, पर तने एक ढेला को नहीं देसू। गाड़ी तैयार है सा? और मन में आया तो नालिश भी कर दीजिए। काका जी तिलमिला उठे, वे शादी में नहीं गए। सिद्ध श्री वर्धा शिवस्थान पूज्य श्री बच्छराज रामधन दास से चिरंजीव जमन का चरण स्पर्श, सर्वत्र श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय हैं। समाचार एक निगाह करें। आप आज मुझ पर निहायत खफा हो गए, सो कोई चिंता नहीं, श्री ठाकुर जी की मर्जी। मैं गोद लिया हुआ था तब आपने ऐसा कहा, पर आपका कुछ भी कसूर नहीं है, कसूर है उनका जिन्होंने मुझे गोद दिया। आपने कहा नालिश करो सो ठीक, पर मेरा आप पर कोई कर्ज तो है नहीं, आपका कमाया हुआ पैसा है, आपकी खुशी हो सो करें, मेरा आप पर कुछ अधिकार नहीं। आज तक मेरी बाबत या मेरे लिए आपका जो खर्च हुआ सो हुआ, आज के बाद आपसे एक छड़ाम कौली मैं लूंगा नहीं और ना ही मंगवाऊंगा। आप अपने मन में किसी तरह का ख्याल ना करें, आपकी तरफ आज से मेरा किसी तरह का भी हक नहीं रहा। श्री लक्ष्मी नारायण जी से अर्ज है कि आपका शरीर ठीक रखें और आपको अभी 20-25 वर्ष तक कायम रखें। मैं जहां जाऊंगा वहीं से आपके लिए ठाकुर जी से इस प्रकार की विनती करता रहूंगा, मुझसे आज तक जो कसूर हुआ वह माफ करें। आपके मन में ये हो कि सब पैसों के साथी हैं और यह भी पैसों के लिए सेवा करता है, सो मेरे मन में आपके पैसे की चाह बिल्कुल नहीं है, और ठाकुर जी करेंगे तो आपके पैसे की चाह भविष्य में भी मेरे मन में आएगी नहीं, क्योंकि मेरी तकदीर मेरे साथ है और पैसे मेरे पास हो भी तो मैं क्या करूंगा। जमन, ओ जमन, सब झूठे नाते हैं, ना कोई किसी का पोता है ना कोई किसी का दादा, सब अपने अपने सुख के साथी हैं, सब झूठा पसारा है। आप अभी तक मायाजाल में फंसे हुए हैं, मैं आज आपके उपदेश से मायाजाल से छूट गया, आगे श्री भगवान संसार से बचावें। अपने मन में आप इस तरह कदापि ना समझें कि यह हमारे पर नालिश या फरियाद करेगा। मैंने अपनी राजी खुशी से टिकट लगाकर सही कर दी है कि आप पर अथवा स्टेट पैसे रुपये गहना गांठी आदि किसी सामान पर आज से मेरा कतई हक नहीं रहा है, और मेरे हाथ का ना कोई कर्ज बाकी है, किसी का एक पैसा भी नहीं देना है। अन्य समाचार कुछ है नहीं, समाचार तो बहुत हैं पर मेरे से लिखे नहीं जाते। संवत 1964 नीति बैसाख कृष्णा 2 मंगलवार पूज्य श्री 105 दादाजी बच्छराज जी से जमन का चरण स्पर्श।
संसार से विरक्त होकर चल देने वाले अपने पोते को बछराज जी मनाकर वापस घर ले आए। फिर भी काका जी के पत्र ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मंदिर के निर्माण के जिस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। यहां तक कि 1,00,000 रुपयों का दान और कर दिया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की भावना से उन्होंने एक मारवाड़ी स्कूल को भी काफी बड़ी रकम दान में दे दी। लेकिन दमे के जोर के कारण इस बीच बछराज जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। श्री लक्ष्मी जुसु प्रार्थना है कि सद्बुद्धि देवे तथा सत्य के साथ व्यापार करण की तथा रोजगार माही लाभ होवे, जी को देश तथा दुखी जनता के कार्य माही लागत की बुद्धि देवे। बछराज जी की 6-7 लाख रुपयों की संपत्ति के साथ सारे कारोबार का भार अब काका जी पर आ गया। अपने बड़े भाई माधव प्रसाद की मदद से वे कारोबार चलाने लगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अचानक माधव प्रसाद भी मियादी बुखार में चल बसे। काका जी के धीरज का बांध टूट गया। जी करे गंगा जी किनारा कुटिया बना लूं और साधु बन जाऊं। मां तीना भाई तो वरदा की भेंट चढ़ गया, अब काका जी को कौन रहे हो? मां उन्हानु कहिया मुंह दिखासू? मुसीबत के समय हिम्मत से ही काम लेना पुरुषत्व की निशानी है। भगवान तरह तरह से आदमी की परीक्षा लेता है मेरे भाई। एक भाव काका जी के मन में बहुत गहरे बैठ गया। उन्होंने एक तख्ती घर में जगह जगह लगवा दी, जिस पर लिखा था, एक दिन मरना अवश्य है, अन्याय से सदा डरो। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा अपने मन में विचार करता हूँ कि मैं धन का त्याग कर सकूंगा, स्त्री पुत्रों का वियोग सहन कर सकूंगा, गुरुजन अथवा मित्रों की मृत्यु भी बर्दाश्त कर सकूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी न। काका जी अपने खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना लेने लगे। इसमें उनके निजी नौकर और यात्रा वगैरह का खर्च भी शामिल था। बाद में तो उन्होंने ये रकम और भी घटा दी और सिर्फ 200 रुपया महीना लेने लगे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑनररी मजिस्ट्रेट बना दिया। पर दुनियादारी के बीच भी काका जी का मन लगातार मार्गदर्शक की तलाश में लगा रहा। सन 1906 तक उनका परिचय लोकमान्य तिलक और सर जगदीश चंद्र बसु जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हो चुका था। इन व्यक्तियों में भी वे अपने मार्गदर्शक को ढूंढते रहे, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। काका जी उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते और सोचते रहते कि अगर ये आदमी भारत आ जाए तो वे उससे संपर्क जरूर स्थापित करेंगे। तो 15 में गांधी जी भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला। काका जी उन्हें परखने के ख्याल से उनसे कई बार मिले। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ज्यों ज्यों मैं गांधी जी के जीवन को समालोचक की एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगा, त्यों त्यों मुझे अनुभव होने लगा कि उनकी उक्तियों और कृतियों में समानता है और मेरे बोले तैसा चाले इस आदर्श का वहां अस्तित्व है। मैं बापू के आदर्शों को अपने घर में उतारने की भी कोशिश करने लगा।
नमः कांताय शांताय सर्वदेवाशिराय च। देख जानकी, तने दो बातें कहूं। एक तो तू मारी जूठी थाड़ी में खानो छोड़ दे। जूठी थाड़ी में माखी बैठे, सफाई भी नहीं रहे, और या तेरी सेहत के लिए भी अच्छो को नहीं। और दूसरो, ये चरणों तक गांधी जी को मानो है कि यो स्त्री की गुलामी को प्रतीक है। जानकी ने जूठी थाली में खाना तो छोड़ दिया, लेकिन चरणों तक लेना आखिर तक नहीं छोड़ा। यहां तक कि मैं जब कभी यात्रा पर जाता, वो चरणोदक को शीशी में भरकर रख लेती। उसने तो चित्रकूट से लाई हुई मिट्टी को चरणोदक में गूंथ कर गोलियां भी बना ली थी। मेरी अनुपस्थिति में वो गोलियां ही लेती रहती। थे भी सोनो की तगड़ी पेरिया करो। सोनो भगवान को रूप है जानकी, उन्हें कमर के नीचे कहीं पैरो जा सके। बापू जी ने लिखो है सोनो कली को रूप है, दूसरा में ईर्ष्या पैदा करता है, चोरी को डर बनो रहते है। इतनो ही नहीं, शरीर पर मैल जम जाता है, कान से नाक से दुर्गंध आने लगती है। प्याज को नुकसान हो वे सो तो अलग। मैं तो कहता हूँ तू भी अपना गहना उतार दे। या कड़ी रहन दू, या तो गरीब से गरीब औरत भी पैरे हैं। इसके बाद घर में जेवर पहनना बंद हो गया, लेकिन एक समस्या और थी। मुझे वर्धा की अग्रवाल महासभा के अधिवेशन में भाषण देना था। विषय था भारतीय समाज में पर्दा प्रथा। मैं परेशान था कि मैं उस प्रथा के खिलाफ कैसे बोलूं जिसका चलन मेरे अपने ही घर में था। मैंने जानकी से बात की और उसने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने काका जी को भी मना लिया। और इस तरह हमारे घर से पर्दे का रिवाज उठ गया, बल्कि इसके बाद तो जानकी में अद्भुत साहस आ गया। वो भी राष्ट्र सेवा के काम में कूद पड़ी, यहाँ तक कि कलकत्ता के मारवाड़ी सम्मेलन में बहनों का पर्दा छुड़वाने के लिए भी गई। गांधी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और प्रेरणा भरा पत्र भी लिखा। प्रिय भगिनी, आप बहनों से पर्दा तोड़वाने के लिए कलकत्ता जा रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर्दा वहम नहीं है, उसमें पाप की बू आती है। पर्दा किससे रखें? क्या पुरुष मात्र विषयासक्त होते हैं? क्या स्त्री अपनी पवित्रता बगैर पर्दा नहीं रख सकती है? पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषों में सहज होनी चाहिए। पर्दा रखकर सीता राम जी के साथ जंगलों में भटकी होंगी? सीता से बड़ी पवित्र स्त्री जगत में कभी हुई है? बहनों से कहो पर्दा तोड़ो, धर्म रखो। 31 दिसंबर 1917 के दिन काका जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। सरकार ने यह खिताब उनके शिक्षा प्रेम और शिक्षा प्रचार के लिए दिया, लेकिन गांधी जी से स्वीकृति मिल जाने के बाद ही उन्होंने इसे स्वीकार किया। मगर कुछ ही दिन बाद उन्हें इस खोखले सम्मान के कारण का पता चल गया। एक दिन नागपुर के कमिश्नर मास्की ने उन्हें बुलवाया। कमिश्नर की मेज पर एक बड़ी सी फाइल रखी थी जो काका जी के संबंध में तैयार की हुई सीआईडी की रिपोर्ट थी। कमिश्नर गुस्से में था। आप गांधी से मिलते हैं? जी हां। क्या आपके घर मिसेज नायडू, नेकी राम शर्मा, देवी प्रसाद खेतान वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आकर ठहरते हैं?
जी हाँ। आप जानते हैं कि ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, बागी हैं। आप हमारे आदमी हैं, आप पर पूरी जवाबदारी है। आपका इन लोगों से मिलना जुलना कुछ ठीक नहीं। जो लोग मेरे यहाँ ठहरते हैं उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। आपने राय बहादुर का खिताब मिलने के बाद ही इन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। आप इस खिताब का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने सरकार से राय बहादुरी देने के लिए कभी नहीं कहा। आपकी CID की रिपोर्ट गलत है। इन लोगों से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपको गांधी और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। मेरी जान पहचान के लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधी जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। तो आपके स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे? सर बेंजामिन रॉबर्टसन उन दिनों चीफ कमिश्नर थे। मारवाड़ी विद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन उन्हीं के हाथों होने वाला था, लेकिन उन्होंने ये उद्घाटन नहीं किया। इसके बाद काकाजी का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया और अगले ही साल नागपुर में गांधी जी के पांचवें पुत्र बनकर उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। इसी अधिवेशन में ही देश ने बापू को अपना नेता माना और बापू ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाए, विधान मंडलों, कानून की कचेरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बायकॉट किया जाए और आगे चलकर टैक्सों की अदायगी भी बंद कर दी जाए। हमें कानूनी और शांतिपूर्ण साधनों से स्वराज प्राप्त करना है। पूरे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। काकाजी ने भी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अदालत से संबंध रखने वाले अपने सारे मामले भी हटा लिए। काकाजी के परिवार ने अपने यहाँ की तलवार, बंदूक और दूसरे हथियारों के लाइसेंस भी सरकार के सुपुर्द कर दिए। वकीलों के सामने एक समस्या थी। उन्हें डर था कि उनके काम न करने से उनके परिवार भूखे मरने लगेंगे। बापूजी ने स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपया जमा करने की अपील की। वकीलों के परिवारों की मदद के लिए काकाजी ने 1 लाख रुपया इस कोष में जमा करवा दिया। अगले ही साल ये देखते हुए कि 1 लाख रुपया वकीलों के परिवारों के लिए बहुत कम है, काकाजी ने 1 लाख रुपया और जमा करवा दिया। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि सत्याग्रही तो जेल चले जाते हैं लेकिन उनके परिवार वालों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। काकाजी ने उनके लिए एक महिला आश्रम भी खुलवा दिया। उन्हीं दिनों यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, जब तक भारत के पास जमनालाल जैसे बेटे हैं उसे अपनी आजादी और गौरव पुनः प्राप्त करने में किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी वर्ष काकाजी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। ये जिम्मेदारी सारी जिंदगी उनके कंधों पर रही। बापू का कहना था कि स्वराज स्वदेशी आंदोलन से ही मिल सकता है। उन्होंने खादी को स्वदेशी का आधार बनाया। काकाजी को लगा कि इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने काकी जी से बात की। जानकी, बापू को कहना है कि विदेशी कपड़ों राक्षस का रूप में अपना देश में पड़े हो है, ये बापना हिंदुस्तान से निकालनो है। अपना घर में एक भी टुकड़ो नहीं रहे। यो काम हो से कहीं घर में, दुकान में, मंदिर में, सही जगह विलायती कपड़ा ही है। सबकी सफाई कहिया हो सी। कपड़ा ना गरीबा में बांट देवे तो कहिया रेवे। अपना देश में तो बहुत लोगों के पास अंग ढकनों के लिए कपड़ा को नहीं। अहिया करने से तो अपनो पाप दूसरों पर चढ़ सी। पाप तो जलाना की चीज है, पाप बांटते थोड़ी जावा। विदेशी कपड़ा की तो होली ही जलसी।
लोगों ने मंगल अमंगल का ख्याल किए बगैर सभी विदेशी कपड़ों को आग दिखा दी। सगुन तक के कपड़े होम कर दिए। ये होली 7 दिन तक जलती रही। घर में सूत भी काटा जाने लगा और पूरी तरह से खादी पहनी जाने लगी। काका जी ने बापू से निवेदन किया था कि वे वर्धा में आकर आश्रम स्थापित करें और वहीं रहकर देश सेवा का काम भी करें। इसमें काका जी के दो स्वार्थ थे, एक तो पिता का साथ उन्हें मिलता, दूसरे वो उनकी देखरेख में राष्ट्र सेवा का काम कर सकते। लेकिन बापू ने साफ साफ कह दिया था, नहीं, मैं गुजराती हूँ, गुजरात में रहकर ही मैं अधिक सेवा कर सकता हूँ, गुजरात की सेवा द्वारा मैं भारत की सेवा करूंगा। लेकिन काका जी ने भी हार नहीं मानी और वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। काका जी के कहने पर बापू ने विनोबा जी को सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। काका जी विनोबा जी के भक्त हो गए। उनके व्यवहार में गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन उतरा हुआ नजर आता था। काका जी को लगा पिता के साथ साथ अब उन्हें गुरु भी मिल गए हैं। जीवन में धन के स्थान को लेकर विनोबा जी ने काका जी को समझाया, वेद में आया है कि जो धनिक आसपास के लोगों की परवाह न करता हुआ धन इकट्ठा करता है, वो धन प्राप्त करने के बदले अपना वध ही प्राप्त करता है। तो सब कुछ दान कर दूं? दान नहीं, त्याग करो। त्याग में तो मूल पर ही कुठार मारना होता है। त्याग से पाप का मूल धन चुकता है और दान से केवल ब्याज मात्र। पिता के रूप में बापू मिल तो गए, लेकिन वे काका जी को जब भी पत्र लिखते उसमें कई बार उनका संबोधन सुज्ञ भाई या भाई श्री जमनालाल जी रहता। काका जी ने एक पत्र में दुख प्रकट किया और लिखा कि शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं हूं। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, चिरंजीव जमनालाल, तुमको दुख हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ है। तुम चिरंजीव होने के योग्य हो या नहीं, अथवा मैं बाप का स्थान लेने योग्य हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में आशंका है, वैसे ही मुझे मेरे बारे में शंका है। यदि तुम अपूर्ण हो तो मैं भी हूं। बाप बनने से पहले मुझे अपने बारे में ज्यादा विचार कर लेना चाहिए था। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं बाप बन गया हूं। ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक बनावे। हम दोनों प्रयत्न करते रहे तो अवश्य सफल होंगे, यह मुझे विश्वास है। इसके बाद काका जी बापू के लिए हमेशा चिरंजीव ही बने रहे। स्वराज्य आंदोलन को जारी रखने के लिए बापू अब व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे। मार्च 1922 में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में सत्याग्रह की तैयारी और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। काका जी को खादी विभाग का संचालक बना दिया गया। रचनात्मक कार्यों के लिए एक शिष्टमंडल नियुक्त किया गया, जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और देवदास गांधी के साथ काका जी को भी शामिल किया गया। लेकिन काका जी संगठन कार्यों के अलावा भी कुछ करना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका भी मिल गया। नागपुर में जलियांवाला कांड की स्मृति में झंडा जुलूस का आयोजन हुआ। इस जुलूस के लिए स्वयं सेवकों को तैयार करने का काम काका जी के जिम्मे था। अंग्रेजों ने सिविल लाइंस में झंडा ले जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था। अंग्रेज तो दमन पर तुले हुए थे। 17 जून की रात महात्मा भगवान दीन, बाबा साहब देशमुख और काका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काका जी की पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई और 3,000 रुपए का जुर्माना। काका जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारी मोटर और घोड़ा गाड़ी जब्त कर ली गई और उन्हें नीलाम करके जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी हुआ। जनता तो दूर, सरकारी अफसरों ने भी उन्हें नहीं खरीदा। जब गाड़ियों को राजकोट ले जाया गया तो गुजराती के अखबार सौराष्ट्र ने लिखा, वर्धा तथा पूरे मध्य प्रांत में तो कोई देशघातक मिला नहीं, अब ये गाड़ियां देशघातक की तलाश में काठियावाड़ लाई गई हैं। आखिरकार राज्य के किसी अंग्रेज अधिकारी ने काका जी की मोटर कार कुछ 100 रुपयों में खरीदी। जेल में काका जी के साथ विशेष व्यवहार की आज्ञा हुई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया।
काका जी के जेल चले जाने पर सत्याग्रह का काम वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। आखिर सत्याग्रह सफल रहा। अंग्रेज सरकार को झंडा ले जाने पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लेना पड़ा। काका जी अपने 1500 सत्याग्रही साथियों के साथ रिहा कर दिए गए। इस सत्याग्रह के बाद काका जी के पास बहुत से लोगों के खत और तार आए, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली का तार सबसे ज्यादा मजेदार था। उन्होंने संदेश भेजा था, शाबाश मेरे बहादुर बनिए, तुम्हारे पैर चूमने को तरस रहा हूं। काका जी को लगता था कि जब तक हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक स्वराज मिलना कठिन है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है धर्मों के आपसी झगड़े। काका जी नागपुर तो जाते ही रहते थे। एक बार वहां पहुंचे तो पता चला कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर वहशियाना वार कर रहे हैं। दंगाइयों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन काका जी घायलों को वहीं पड़ा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इतने में किसी ने एक पत्थर चलाया जो काका जी के हाथ में लगा। उनके हाथ से बहते खून को देखकर ही दंगाइयों का खून ठंडा हुआ। काका जी के हाथ में टांके लगे, लेकिन बापूजी की चिट्ठी ने उस चोट पर मरहम का काम किया। उन्होंने लिखा, तुमको चोट पहुंची, इससे मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। मैं तो मानता हूं कि हम जैसे बहुतों को शायद बलिदान होना पड़े। जहर इतना ज्यादा फैल गया है कि कुछ शुद्ध व्यक्तियों का बलिदान हुए बिना हमारा छुटकारा इस आपत्ति से नहीं हो सकता। हो सके तो झगड़े की जड़ का पता लगाना। सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाड़ा अधिवेशन के समय अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई, तो काका जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बापू के कहने पर खादी के प्रचार के लिए काका जी ने उड़ीसा, बिहार, बंगाल आदि का दौरा किया। वे राजपुताना भी गए। वहां के राजाओं और दीवानों से मिलकर उन्होंने खादी प्रचार के काम में उनकी सहायता प्राप्त की। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि कई राज्यों में स्वदेशी की बात तक सुनने को कोई तैयार नहीं था। 5 फरवरी 1924 को बापू जेल से छूटकर आए। बापू से मिले 3 साल हो चुके थे। उनके साथ कुछ वक्त बिताने के ख्याल से काका जी परिवार सहित साबरमती आश्रम में रहने चले गए। लेकिन आश्रम से लौटते ही काका जी को एहसास हुआ कि हमारे मंदिरों के द्वार हरिजनों और दलितों के लिए बंद हैं। काका जी की गैरहाजिरी में बिरादरी के लोगों ने उन्हें और जाजू जी को हरिजनों के साथ उठने बैठने के कारण बिरादरी से बाहर भी कर दिया था। काका जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। समाज के इस मेहनती वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अछूतोद्धार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को वे तैयार थे। उन्होंने एक अपील जारी की। यह हमारे बुनकर, कुम्हार, भंगी और मेहतर, जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं और राष्ट्र की संपत्ति के उत्पादक हैं, जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमारी सच्ची मदद करते हैं और जो हमें जीवन के कार्यों के योग्य बनाते हैं, अपने इन हितैषियों, भोले, निरीह और छोटे भाइयों को हम सामाजिक और नागरिक अधिकार, संरक्षा, ज्ञान और अन्य व्यापारों से वंचित क्यों रखते हैं। उन्होंने हरिजन बस्तियों में प्रचारक रख दिए और हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देने लगे। उन्हें ये भी लगा कि हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की छूट और मंदिरों में देव दर्शन की इजाजत मिलनी ही चाहिए। काका जी ने इस काम को भी अपने घर से शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने बच्छराज धर्मशाला का कुआं हरिजनों के लिए खोल दिया। 1927 में ये शुरुआत हुई, जो देश में अपनी तरह की पहली घटना थी। अब काका जी ये कोशिश करने लगे कि बच्छराज द्वारा बनवाए गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार भी हरिजनों के लिए खोल दिए जाएं। ट्रस्टी अड़ गए कि अगर वे मंदिर को हरिजनों के लिए खोलना चाहते हैं तो वे उन्हें बदलकर नए ट्रस्टी रख लें। लेकिन काका जी ट्रस्टियों को नहीं, उनके मन को बदलना चाहते थे। 13 दिसंबर 1928 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, हमें न्याय के लिए लड़ते हुए तपस्या के द्वारा अपने पंचों को पवित्र बनाने की जरूरत है। यही काम जमनालाल कर रहे हैं। इस काम में यदि आप उनका अनुसरण नहीं कर सकते तो अपना आशीर्वाद ही दें, क्योंकि एक समय आएगा
जब पुराने ख्याल के लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि जमनालाल ने अपने कार्यों से हिंदू धर्म की वो सेवा की जिसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी उनका आभार मानेगी। अंत में ट्रस्टियों ने हरिजनों के लिए मंदिर खोलने की परवानगी दे दी। माहौल में काफी तनातनी थी। उसी तनाव के बीच सुबह 8 बजे हरिजनों की एक टोली ने विनोबा जी के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। काकाजी को इससे बड़ा सुख मिला। उन्होंने लिखा, वर्षों से जो ज्वाला सी मेरे मन में जल रही थी आज वो शांत हो गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टियों में एक हरिजन को भी शामिल कर लिया गया। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की। काशी के विद्वानों और समाचार पत्रों ने भी इस पहल का स्वागत किया। कई पंडितों ने यह भी लिखा कि यह कार्य शास्त्र सम्मत है। हरिजनों के लिए अन्य मंदिर खुलवाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका एक सदस्य काकाजी को भी बनाया गया। देश भर में अछूतों के लिए कुएं और मंदिर खुलने लगे। काकाजी ने अपने घर में एक हरिजन को नौकर रखा और उसके हाथ से भोजन ग्रहण करने लगे। इसके कारण घर में क्लेश भी हुआ क्योंकि माताजी इस बात को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं कर पाई। हरिजन आंदोलन धड़ल्ले से चल निकला, यहां तक कि बापूजी ने अपने पत्र का नाम यंग इंडिया से बदलकर हरिजन कर दिया। सन 1930 में बापू ने नमक आंदोलन छेड़ा जो अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। बापू ने आश्रमवासियों से स्पष्ट शब्दों में कहा, सत्याग्रह में जिसको शामिल होना हो वह निसंकोच रूप से शामिल हो, पर उसे सर्वस्व त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक गंभीर प्रश्न है और शामिल होने से पहले अपने घर वालों से पूछकर सलाह मशवरा करके जो अपने को इसमें होम सकें वे ही अपना नाम दें। जिनकी पूरी तैयारी न हो या थोड़ी बहुत कमजोरी हो वे हिम्मत के साथ साफ साफ इनकार कर दें, यह मुझे अच्छा लगेगा। काकाजी ने माताजी से बात की। जानकी, इस काम में मेरी तो सर्वस्व होमने की तैयारी है, अपनी तू देख। बापूजी की टुकड़ी में अपने कुटुंब का एक आदमी तो होना ही चाहिए। इस यज्ञ में अपने परिवार के किसी प्राणी की आहुति भी पड़ जाए तो मुझे चिंता नहीं। काका जी को हार्दिक संतोष मिला।
मैं यहाँ पर स्वराज लेकर ही लौटूंगा, वरना इसे मेरी अंतिम यात्रा ही समझें। काका जी को तो दांडी मार्च में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन मेरे दादाजी कमल नयन बजाज, जो उस समय 18 साल के भी नहीं थे, यात्रा में शामिल हो गए। काका जी बंबई के विले पार्ले में स्वयं सेवकों को तैयार कर रहे थे, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नमक सत्याग्रह सफल रहा, देश को स्वराज तो नहीं मिला, लेकिन वर्धा को गांधी मिल गए। काका जी के कहने पर बापू वर्धा आ गए। काका जी के संगीत साथियों ने व्यंग किया कि आखिर बनिए ने बापू को खरीद ही लिया। देश सेवा में व्यस्त रहने के कारण काका जी अपने कारोबार या परिवार से विमुख नहीं हुए। वे अपने आदर्शों को इन दोनों क्षेत्रों में भी पूरा उतारने की कोशिश करते रहे। व्यापारी समाज में साधारण मानी जाने वाली किसी भी बेईमानी को उन्होंने अपने व्यापार में नहीं आने दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान रुई के व्यापार में मंदी का जबरदस्त दौर आया था। कई व्यापारी रुई को भिगोकर गांठों को भारी बनाने लग गए। काका जी ने अपनी कंपनी के मुनीम और डायरेक्टरों के कहने के बावजूद इस बेईमानी को अपने व्यवसाय में नहीं आने दिया। उनका कहना था, कंपनी डूबती है तो डूब जाए, लेकिन बेईमानी की कमाई हमें नहीं चाहिए। इससे उनकी साख और भी जम गई। व्यापार की दुनिया में उनका नाम गिने चुने ईमानदार लोगों में लिया जाने लगा। एक बार सत्याग्रह के सिलसिले में वे जेल में थे और उनकी गैर हाजिरी में उनकी कंपनी के एक कर्मचारी ने अकाउंट्स की चालाकी से टैक्स के 75,000 रुपए बचा लिए। काका जी जेल से लौटकर आए तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर पूछा कि मैं इस रुपए का क्या करूं। गांधी जी ने राय दी, इस रुपए को जन सेवा के काम में लगा दो, और काका जी ने तुरंत चेक काट कर दे दिया। अपने कर्मचारियों में ऊंच नीच छोटे बड़े के दर्जे को भी उन्होंने खत्म कर दिया। गुमाश्ता एसोसिएशन ने तो उन्हें अपना अध्यक्ष ही चुन लिया। काका जी नारी शिक्षा के नए नए केंद्र खोल रहे थे, हिंदी की सेवा के लिए हर किस्म का प्रयास कर रहे थे, खादी के प्रचार, गरीबों की सेवा और समाज सुधार के लिए दूर दूर के इलाकों की यात्राएं कर रहे थे। फिर भी घर से उनका नाता पूरी तरह बरकरार था। पति पत्नी अलग अलग सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी मन से साथ साथ चल रहे थे। पत्रों ने उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह जोड़ रखा था। तुम्हें मैंने जान या अनजान में बहुत दुख पहुंचाया है, परंतु उसका क्या उपाय। तुम्हारा अगर विश्वास हो तो मैं लिखता हूं कि मेरा तुम पर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तीनों का मिश्रण है। आपको नरमानु या नारायण, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कमजोरियां आपके तेज में बाधक हो रही हैं, प्रत्यक्ष देख रही हूँ। आत्मा एक ही है, मिट्टी से क्या मोह है। तुम्हारी व इतर बहनों की दो बार थोड़े समय की गिरफ्तारी की बात जानकर
विनोद मालूम हुआ। अगर स्त्रियों को गिरफ्तार करना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाएगा। तुम्हारी एक फोटो उतराकर उसकी एक नकल मेरे वास्ते लेती आना। क्यों, अब मरने से तो डर नहीं लगता है ना? मरने के बारे में समय आवेगा तब देखेंगे कि हंसना आता है या रोना। एक दूसरे की चिंता करने का समय नहीं है। जैसा कि बालक व मित्र लोग करते हैं, मैं भी मानता हूँ हम लोग मोह को तो कम करें और प्रेम को बढ़ाते रहें। मैं तो आपको योग भ्रष्ट योगी ही मानती चली आ रही हूँ। आपके ही पीछे दुनिया का वैभव देखा। बच्चों के साथ काकाजी ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते थे। बच्चे संस्कारशील बने इसका उन्हें पूरा ख्याल रहता था। मेरे दादाजी कमल नयन बजाज ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, एक बार पूना से हम लोग सिंहगढ़ घूमने गए। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे पिताजी ने एक नया खेल शुरू किया और उसके नियम भी बना दिए। वहां उपस्थित लोग अपनी बारी आने पर वहां बैठे किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना करें और ये बताएं कि वे किन बातों में उससे श्रेष्ठ हैं। जो सबसे अच्छी तरह बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब कमल नयन जी यानी मेरे दादाजी की बारी आई तो वो अचानक बोल उठे, मेरी तुलना श्री जमनालाल बजाज से होगी, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। काका जी थोड़ा चौंके फिर मुस्कुराकर बोले, साबित कर पाओगे? जी हाँ। बताओ तो तुम जमनालाल से श्रेष्ठ कैसे हो? मैं उनसे इस तरह श्रेष्ठ हूँ कि उन्होंने तो सिर्फ देश का ही भ्रमण किया है, मैंने विदेश का भी किया है। और मुकाबले में मैं उनसे तेज दौड़ सकता हूँ। और अब उनके पिता से मेरे पिता श्रेष्ठ हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि उनके पुत्र से मेरा पुत्र ज्यादा सुंदर और होशियार है। कमल नयन जी के पुत्र और मेरे पिता राहुल बजाज उस समय सिर्फ एक साल के थे। काका जी ने हंसकर अपने पोते का मुंह चूम लिया। कुछ अनोखी बातें भी थी काका जी में। वे अपनी डायरी में एक तरफ विवाह योग्य लड़कों और दूसरी तरफ लड़कियों के नाम लिखा करते थे। छोटे बड़ों के जाने कितने रिश्ते उन्होंने करवाए। काका जी की इस अजीब आदत के कारण बापू ने प्यार से उनका नाम शादीलाल रख दिया था। वर्धा में गांधी जी के आ जाने और सेवाग्राम के स्थापित हो जाने से ये कस्बा देश की राजनीतिक गतिविधियों की धुरी बन गया था। देश का कोई भी महत्वपूर्ण नेता ऐसा नहीं था जो वहां ना आता हो। अनौपचारिक बातों और मुलाकातों के बीच एक बार सरदार पटेल ने काका जी से कह दिया, आप तो केवल गांधी जी के आदेशों का पालन करते हैं, खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं करते। बात पूरी तरह सच नहीं थी, फिर भी काका जी के मन में घर कर गई। वे उस समय कुछ नहीं बोले। सन 1938, जयपुर और सीकर के राज्य आपस में झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। जयपुर अंग्रेजों की रीजेंसी में था और सीकर उसके तहत मात्र एक ठिकाना। इस आपसी झगड़े को निपटाने के लिए जयपुर और सीकर दोनों की तरफ से काका जी के पास अनेक संदेश आए। काका जी ने सीकर जाकर जयपुर और सीकर के राजाओं में सुलह करवा दी। लेकिन कुछ ही समय बाद अंग्रेज अधिकारी सीकर के राव राजा माधो सिंह को अजमेर ले गए और उन्हें पागल करार देकर सीकर राज्य की व्यवस्था कोर्ट ऑफ वार्ड के मातहत कर दी और राव राजा के जयपुर राज्य की सीमा में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। इससे सीकर में उत्तेजना फैल गई।
काका जी ने जयपुर में प्रजा मंडल की स्थापना की थी और वे इसके अध्यक्ष थे। उनका विश्वास था कि देशी राज्यों की प्रजा को शासकों के जुल्मों से बचाने की जरूरत है। गोरे पुलिस अधिकारियों ने उनके जयपुर प्रवेश पर भी रोक लगा दी। ये एक चुनौती थी। उन्होंने इसे स्वीकार किया और बापू से आशीर्वाद लेकर जयपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पकड़कर शहर से बाहर छोड़ाई, लेकिन वे फिर सीमा में प्रवेश कर गए। हारकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जयपुर से 40 मील दूर छोड़ाई। इस जद्दोजहद में काकाजी को चोटें भी आईं, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में हारकर उन्हें जयपुर स्टेट में कर्णावतों के बाग में नजरबंद कर दिया गया। काकाजी के प्रयासों से जयपुर राज्य और प्रजा मंडल में समझौता हो गया और वे ये संतोष लेकर वर्धा लौटे कि वे अपने जन्म स्थान के लिए भी कुछ कर सके। गांधी जी सेवाग्राम में ही रहते थे, फिर भी महीनों तक काकाजी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। काकाजी बेचैन होने लगते थे। इसी बेचैनी की हालत में सन 1938 में अपने 50वें जन्मदिन पर काकाजी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पूज्य बापू जी, आज मिति व तारीख के हिसाब से मुझे 49 वर्ष पूरे हुए हैं, 50वां वर्ष चालू हुआ है। आपका आशीर्वाद तो सदैव ही रहता है, परंतु मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे इन 2-2.5 वर्षों में ऐसा साफ दिखाई देता है कि मैं आपके आशीर्वाद का पात्र नहीं हूँ। मेरी कमजोरियों का जब मैं विचार करता हूँ तब तो इन वर्षों में, खासकर छोटे लाल जी की घटना के बाद, मेरे मन में आत्महत्या के विचार भी आए, जिसे मैं कायरता और पाप समझता आ रहा था। बुद्धि से तो अभी भी समझता हूँ। अहिंसा व सत्य का आचरण कम होता दिखाई दे रहा है। डर है कि कहीं इस पर से श्रद्धा भी कम न हो जाए। इसी कारण असहनशीलता भी बढ़ रही है, क्रोध की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, काम वासना बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है, लोभ की मात्रा भी। मेरे दिल का दर्द किससे कहूं? कौन ऐसा है जो प्रेम से मेरी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है? मेरा भरोसा तो आप पर और विनोबा जी पर ही था, परंतु आपसे तो अब आशा कम होती जा रही है। विनोबा से अभी आशा है, शायद कोई समाधान कारक मार्ग निकल आए। आप मेरी इस अवस्था से दुखी तो होंगे ही, परंतु मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे तो आपको प्रणाम करने में भी संकोच होता है। चिरंजीव जमनालाल, अभी अंग्रेजी की एक सुंदर उक्ति देखी थी। उसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने दोषों का चिंतन न करके गुणों का करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा बनता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दोष देखे ही ना, देखे तो जरूर, लेकिन उनका विचार करके पागल न बने, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। तुम्हारे लिए अति लोभ छोड़ना उचित है, राजनैतिक क्षेत्र से भी निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारा क्षेत्र तो पारमार्थिक व्यापार है, इनमें से एक भी चीज की प्रतिध्वनि तुम्हारे हृदय में न हो तो कुछ करना नहीं है। विचारों का आदान प्रदान करना, निराशा को कहीं भी स्थान नहीं है। तुम पतित नहीं हो, सत्यनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ का पतन संभव ही नहीं। काकाजी की बेचैनी का समाधान हो गया। इसी दौरान देश में द्वितीय महायुद्ध के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। कर्म के मामले में पीछे न हटने वाले काकाजी इस सत्याग्रह में भी शामिल हो गए और 1940 में उन्हें एक बार फिर जेल हो गई। इस बार उन्हें नागपुर जेल में रखा गया, जहां विनोबा जी भी उनके साथ थे। उन दिनों काका जी को विनोबा जी से काफी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ।
वेद वेदांत उपनिषद रामायण आदि ग्रंथों में वे डूब से गए। सच्चा मित्र कौन है? मित्र वही सच्चा हो सकता है जो आध्यात्मिक उन्नति में और कमजोरियां निकालने में मदद करता हो, स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता हो। स्वाध्याय से क्या मिलता है? स्वाध्याय से मार्गदर्शन मिलता है, बुद्धि की शुद्धि होती है। काका जी को जैसे एक राह मिल गई, वे जेल से छूटे तो मोक्ष की अपनी भूख को मिटाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। वे पांडिचेरी में अरविंद आश्रम पहुंचे और रमण महर्षि के दर्शन के लिए उनके आश्रम में भी गए। उन्होंने रमण महर्षि से प्रश्न किया, सद्बुद्धि कैसे स्थिर रहे? शाश्वत सुख और शांति पाने के लिए पहले प्रकृति को स्थिर बनाना चाहिए। आत्म प्राप्ति हो गई तो सब कुछ मिल गया। मनुष्य को आत्मशोधन का यह मार्ग बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, इसी से सद्बुद्धि स्थिर होती है। काका जी अस्वस्थ थे और सिद्धि की ओर भी बढ़ रहे थे, पर उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रगति से संतोष नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगता था ऐसी कोई देवी मिले जो उनके मातृपद को सुशोभित कर ले। उनके जीवन में माता का स्थान अभी तक नहीं भर पाया था। वे अक्सर कहा करते थे कि मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी लगती है, पर एक माँ ऐसी भी चाहिए जिसकी गोद में मैं शांति से लेट सकूं और ज्ञान की भूख तृप्त कर सकूं। जुलाई 1941, काका जी स्वास्थ्य लाभ के लिए शिमला गए हुए थे। बापू ने उन्हें लिखा कि अगर वे देहरादून जाएं तो वहां माँ आनंदमयी के दर्शन करते आएं। देहरादून में माँ आनंदमयी के दर्शन क्या हुए, काका जी को जैसे सचमुच माँ ही मिल गई हो। उन्होंने गांधी जी को लिखा, पूज्य बापू जी, मेरा स्वास्थ्य और मन बहुत ठीक है, यहाँ स्वाभाविक जीवन बिताने को मिल रहा है। माँ अहिंसा और प्रेम की मूर्ति मालूम होती है, माँ सदा आनंद में रहती हैं। मेरी इच्छा तो हो रही है कि श्री आनंदमयी माँ की आपसे भेंट हो। आपकी इच्छा होगी तो फिर प्रयत्न करके इन्हें वर्धा लाने की व्यवस्था करूँगा। मुझे सेठ जी कहा जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए भैया या भैया जी कहना शुरू हो गया है। माँ को भी ये पसंद आया है। शरानंदे आनंदमयी ओड़ी छे ढोले ढूंढे गे छे हृदि कमले बड़ो ढूंढे गे छे हृदि कमले बड़ो ढूंढे गे छे। फिर माँ से विदा लेने का वक्त आया और काका जी ने एक सवाल माँ के सामने रख दिया, मेरे पास अभी कितना समय बाकी है? ये कौन बता सकता है? आप तो भूत वर्तमान भविष्य सब देखती हैं, कुछ बताइए ना। मनुष्य को तो हर क्षण जाने को तैयार रहना चाहिए। 6 महीने की तैयारी करके चलो। माँ, मैं तुम्हारी गोद में सिर रख कर लेटूं? माँ कहते हो तो पूछते क्यों हो, ये तो तुम्हारा अधिकार है। काका जी वीतराग हो गए। उन्होंने मूक प्राणी की सेवा का मंत्र अपना लिया। गो सेवा उनके मोक्ष का मार्ग बन गई। जी
फरवरी 1942 के दिन हमने अपने प्यारे काका जी को हमेशा के लिए खो दिया।